साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मीडिया कर तो कुछ नहीं सकता उस सेंस में कि उनकी पॉलिसियों में तब्दीली लाए। अगर किसी मुल्क का मीडिया असरअंदाज हो सकता है इस सारे गजा के जो की जो वॉर है उस पर, तो वो तो अमेरिका है, क्योंकि इसराइल जो है वो अमेरिकन आउटपोस्ट है पूरी तरह, और अमेरिका पर यहूदी जो इंटरेस्ट हैं उनका इतना कब्जा है, मीडिया पे उनका कब्जा है, मईशत पे उनका कब्जा है, तो वहाँ पब्लिक ओपिनियन का बदलना जो है वो एक चैलेंज है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है उसमें एक हैरतअंगेज बात हो रही दिखाई दे रही है, हो रही है, और वो ये है कि पहली बार अमेरिकन मीडिया जो है उसने फलस्तीनियों के कॉज पर बात करना शुरू की है। और ये जो तब्दीली मुश्किल है, होता क्या है कि जो मीडिया होता है पाकिस्तानी मीडिया की, मैं इसके लिए ज़्यादा बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तानी मीडिया ट्रेडिशनली बैरूनी खबरों को ठीक से कवर करते ही नहीं है। आप देखें कि पाकिस्तानी मीडिया के नुमाइंदे अपने पड़ोस में भी नहीं होते कि जो हमें खबरें दें। हम अफगानिस्तान की, ईरान की, हिंदुस्तान की खबरें भी बैन अवी एजेंसियों से लेते हैं, रॉयटर्स वगैरह से। तो हमारी मौजूदगी नहीं होती हमारे मीडिया की इन जगहों पर। लेकिन अमरीकन मीडिया में जो हुआ है वो मैं इसलिए अहम समझता हूँ कि एक तो जो ऑन द ग्राउंड जो कुछ हो रहा है, जो जुल्म हुआ है गजा के साथ, वो तो दुनिया को हिला दिया है और दुनिया के जमीर को उसने टच किया है। अमेरिका में ये हुआ है, मसला ये होता है कि कौमी तासुवात होते हैं, पॉलिसियां होती हैं, और इनमें तब्दीली नहीं होती आसानी से। जो पब्लिक प्रोटेस्ट है उसके बारे में भी एक बात चल रही है कि इससे पॉलिसियां नहीं बदलती है ना। न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमनिस्ट ने पिछले साल लिखा था कि आई वॉज रॉन्ग अबाउट द पावर ऑफ पब्लिक प्रोटेस्ट, और उन्होंने हवाला दिया था कि जब इराक की जंग हो रही थी तो तारीख के सबसे बड़े मुजाहरे हुए थे उसके खिलाफ और उसका कोई असर नहीं हुआ। अब मुझे लगता है कि वो सूरत हाल बदल रही है और अमरीका की राय आमा में तब्दीली आना शुरू हुई है। अब ये तब्दीली मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि जो डीप रूटेड प्रेजुडिसेस हैं, पॉलिसीज हैं, हम आप अपने अकीदों को नहीं बदल सकते आसानी से, अपने ख्यालात को नहीं बदल सकते आसानी से, उनमें तब्दीली बहुत मुश्किल होती है और उसी तब्दीली को हम पैराडाइम शिफ्ट करते हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका में, अमेरिका के मीडिया में इसराइली के बारे में एक पैराडाइम शिफ्ट का आगाज हुआ है और उसकी बहुत मिसालें हैं कि किसने क्या लिखा और किस तरह उसको देखा। तो ये एक चीज़ है, लेकिन मीडिया के साथ, जैसा कि आपने शुरू में सोशल मीडिया की बात की, मीडिया के साथ मसला ये है कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी का बड़ा इशू है, यहाँ भी वहाँ भी हर जगह, और मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, इसका बड़ा मसला होता है। लेकिन हमारे मुल्क में तो उतना नहीं है, लेकिन अमेरिका में हम कह सकते हैं कि एक लेवल होता है कि जहाँ सीरियस डिबेट मुमकिन है, वो डिबेट थिंक टैंक्स में हो, कैंपसेस पे हो, वो डिबेट सरकारी इदारों में हो, तो वहाँ वो डिबेट शुरू हो चुकी है और एक तब्दीली भी मुझे दिखाई दे रही है। आरिफ साहब,